हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसजी डिफेंस में। दोस्तों, अमेरिका समेत सभी यूरोप देशों ने रूस के ऊपर काफ़ी सेंसन लगाए और साथ ही रूस के मित्र देश पर भी काफ़ी बड़ा दबाव बनाया कि आप लोग रूस के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड या रिलेशन न रखें, नहीं तो रूस के साथ साथ आपका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। और दोस्तों, रूस के मित्र देशों में हमारा भारत देश भी शामिल है। अब भारत रूस के साथ तब से ट्रेड करता आ रहा है जब रूस नहीं USSR हुआ करता था, और भारत अपने रक्षा प्रणाली में करीब 80% डिफेंस हथियार रूस से ही खरीदता था। और आज भले ही भारत अधिकतर डिफेंस हथियार मेक इन इंडिया के तहत अपने भारत में ही निर्माण कर रहा है, लेकिन रूस की मदद जो 1971 में की गई थी, जब भारत के खिलाफ यही अमेरिका समेत सभी यूरोप देश खड़े थे, तब यही रशिया दोस्तों भारत की मदद के लिए अकेले ही युद्ध के मैदान में उतर गया था। और रूस की यही मदद भारत और हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। जब ऐसे वक्त में दोस्तों, जब रूस को अपने मित्र देश की आवश्यकता है, तो ऐसे में हम रूस को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। और जिस प्रकार रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका समेत सभी यूरोप देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, उसी प्रकार भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और दोस्तों, रूस भारत के इस स्टैंड से काफ़ी प्रभावित हुआ है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल देने का वादा भी किया, और भारत ने ताबड़तोड़ रूस से कच्चा तेल भी खरीदा। भारत पहले अपनी तेल खपत को पूरा करने के लिए अरब देशों पर निर्भर रहता था, और कच्चा तेल भी अरब सऊदी जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रियों से लाने में काफ़ी महंगा भी पड़ जाता था। और जैसे ही यूरोप देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर उसके बाद मानो भारत की जैसे लॉटरी ही निकल गई हो। उसी प्रकार रूस ने काफ़ी भारी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात भारत के साथ किया, और वही यूरोप देश आज भारत को सस्ता तेल खरीदते देखकर सोच में पड़ गए, काश हम भी रूस से सस्ते तेल खरीद पाते। और साथ ही भारत की फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी तारीफ भी करते नहीं थक रहे हैं कि कैसे निभाई जाती है दोस्ती, कोई भारत से सीखे कि इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। और इसी बीच यूरोपीय मीडिया में यह भी खुलासा किया गया कि रूस जो कच्चा तेल भारत को बेच रहा है, उस कच्चे तेल को भारत रिफाइन करके उसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के तौर पर बना रहा है, और समुद्री मार्गों के जरिए तेल को यूरोप के कुछ देशों को मिडिल ईस्ट कंट्रियों से तेल प्राइजों से भी सस्ते प्राइज में काफ़ी आसानी से बेच पा रहा है। और जो हमने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं रूस की इकोनॉमी को नीचे गिराने के लिए, तो इस प्रतिबंध का रूस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यूरोपीय देशों को ही गैस एवं कच्चा तेल महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत की कूटनीति कितनी ज़्यादा सफल रही। एक तरफ जहाँ भारत रूस से कच्चे तेल ले रहा है और चार नंबर से सीधा एक नंबर सप्लायर बन गया है कच्चे तेल के मामले में, और रूस के साथ अपनी दोस्ती भी निभा पाया, और उधर यूरोप देशों को तेल बेचकर हम अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों भारत की इस कूटनीति को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।